हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। आप समझ ही गए होंगे, ये है फिश। आज मैं बनाने वाली हूँ भापा माछ, बंगाली में हम बोलते हैं, यानी कि स्टीम फिश। तो आइए जल्दी जल्दी आइए, मैं आपको फटाफट से बताती हूँ रेसिपी। बहुत ही इजी, बहुत ही यमी, बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। मैंने कुछ हरी मिर्चियाँ ले ली है, यानी कि ग्रीन चिलीज, मैंने पानी में भिगो के रख दी है, बाद में मैं दिखाऊंगी कैसे यूज़ करेंगे। ये है छोटी कटोरी नारियल की, नारियल मैंने काट के डाइस करके रख दिए हैं। ये है पॉपी सीड, हिंदी में खसखस एंड बंगाली में हम इसको पोस्तो बोलते हैं। हाफ स्पून मैंने ये भी भिगो के रख दिए हैं। ये है मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये भी मैंने 2 चम्मच भिगो के रख दिए हैं। तो आइए पहले हम फिश मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने हल्दी डाला इसके अंदर, टर्मेरिक गया, एंड इसके अंदर जाएंगे रेड चिली पाउडर, एक लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक यानी कि सॉल्ट। अब इसके अंदर डालेंगे हम सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल स्प्रिंकल करेंगे, एंड इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे जो मसाले का फ्लेवर है वो फिश में आ जाए, उसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट्स हम मैरिनेट करेंगे, इसके बाद हम इसको बहुत ही लाइट शैलो फ्राई करेंगे फॉर जस्ट 1 मिनट्स। तो आइए फटाफट हम पहले कढ़ाई लेंगे जिसमें हम अपने फिश को फ्राई करेंगे। इसके हम अंदर डालेंगे सरसों का तेल। ये पूरी रेसिपी सरसों के तेल से ही बनेगी। तो हमारा जो है ऑयल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मीडियम फ्लेम में जो ये फिश है इसको मैं 1 मिनट दोनों साइड से पकाऊंगी। इस तरीके से हमने चारों तरफ फिश बिछा लेनी है, 1 मिनट तक इसको पकाना है। उसके बाद इसको हम पलटेंगे, पलटने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है, क्योंकि हम जब इसको स्टीम करेंगे ग्रेवी में भी फिश पकेगी। तो हल्का सा हमने बस शैलो फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं एकदम येलो कलर आया है, ऐसा नहीं कि ब्राउन कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा पक गया है, एकदम लाइट पक गया है। तो हमारी फिश जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा नहीं पकाना है, मैं ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ। तो अब जो है फिश को हम अपने कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो लीजिए, हमारी फिश जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब मैंने कटोरी में 2 चम्मच मैंने यहाँ पे दही ली है, इसको अच्छे से मैंने फेंट के रख लेना है। ग्रेवी के लिए अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्लेंडर, चटनी वाला ब्लेंडर ले लेंगे। इसके अंदर मैंने सरसों का जो था पेस्ट वो मैंने डाल दिया है। हमारे घर में साबुत सरसों नहीं था, पाउडर था, तो मैंने उसी को भिगो के रख लिया था। इसको मैंने स्मूथ पेस्ट बनाना है। खसखस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। स्पाइसनेस के लिए मैंने 2 हरी मिर्च डाली है, आप लोगों को जितना मिर्ची पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लीजिए। और इसके अंदर हम जो है कोकोनट है छोटा कटोरी, वो कोकोनट हम इसके अंदर डाल देंगे, एंड दैट्स इट। इसके बाद हमने इसका बनाना है बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट। आइए अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, मैं चेक करूँगी। चेक करके मुझे थोड़ा सा दरदरापन लग रहा था इसके अंदर, तो मैं इसको फिर से 2 चम्मच पानी मिलाकर इसके अंदर मैं फिर से इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी, जिससे एकदम सिल्की टेक्सचर हो जाए इसका, एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो लीजिए हमारा जो पेस्ट है हो गया रेडी। तो इस फिश को बनाने के लिए हमें ऐसा एक टिफिन चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन हो, बड़ा सा टिफिन जिसमें सारी हमारी फिश आ जाए। तो इस तरीके का टिफिन ले लेना है। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट रेडी किया था अभी जस्ट मैंने दिखाया था, वो सब इसके अंदर हमने डाल देना है। वो जो 2 चम्मच दही हमने फेंट के रखी थी वो भी डाल देंगे इसके अंदर हम। मसाले में जाएगा इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एंड इसमें जाएगा थोड़ा सा चीनी, यानी कि 2 पिंच के करीब चीनी इसके अंदर हमने डालनी है, जिससे फ्लेवर्स जो है सारे अच्छे से बाइंड हो जाए। अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे जो ऑयल है, मसाले हैं, एंड जो हमारा जो पेस्ट था उसके अंदर अच्छे से मसाला घुल जाना चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करना है क्योंकि बहुत गाढ़ा है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया, 1/4 कप के करीब पानी डाल लिया है, एंड इसको मिक्स कर दिया है। जितनी पतली ग्रेवी चाहिए उसके साथ साथ आप इसको बना लेंगे। अब आइए इसके अंदर जो सारी फिश है उसको हम अच्छे से बिछा देंगे, यानी कि रख देंगे चारों तरफ, सारे फिश में जो है ये मसाला कोट हो जाए। तो इस तरीके से हमने सारी फिश को कोट कर देना है। एक तरफ कोट हो गया है तो अब जो फिश है इसको हम पलट देंगे, जिससे जो फिश है वो दोनों तरफ से मसाला जो है इसके अंदर कवर हो जाए। तो ये लीजिए मैंने मसाले को एंड फिश को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या है हरी मिर्च जो है उसको सजाएंगे इस तरीके से। हर एक पीस के ऊपर हमने हरी मिर्च लगा दी है,
दो चम्मच सरसों यानी कि मस्टर्ड का ऑयल भी इसके ऊपर हम इसको ड्रॉप करके फैला देंगे। एंड हमने ये टिफिन बंद कर दिया है। अब आइए हम जो है फिश को स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है एंड उसके ऊपर मैं स्टैंड लगाऊंगी जिसमें हम बैंगन वगैरह भूनते हैं, उस तरह का स्टैंड होता है सबके घर में, वो स्टैंड लगा दिया है मैंने और पानी हमने उसमें डाल दिया है। उसके ऊपर इस तरीके से हम जो टिफिन है इसके अंदर लगा देंगे एंड हम इसको ढक देंगे। 15 से 20 मिनट तक हमने इसको स्टीम करना है एंड उसके बाद लीजिए हमारा जो फिश है वो है रेडी हो गया। 15-20 मिनट तक मैंने इसको पकाया था, स्टीम किया था। मैं अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए लुक कितना डिलीशियस लग रहा है। ये है बहुत ही ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक रेसिपी। ये है बंगाली रेसिपी, इसको हम बोलते हैं भापा माछ। इसको आप लोग सब ट्राई कीजिए। गरम गरम राइस यानी कि भात के साथ ये बहुत ही यमी लगता है। आप इसको बनाइए और खाइए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं आपके लिए और भी बहुत ही टेम्पटिंग एंड यमी रेसिपीज लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड एंजॉय, टेक केयर।